एक बार एक किसान ने एक बच्चे को दलदल में फंसा हुआ देखा। किसान ने बच्चे को बचा लिया। इस पर बच्चे के रईस पिता ने किसान को कुछ देना चाहा। किसान ने मना कर दिया। रईस ने किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं दूंगा। किसान का बच्चा पढ़ने लगा और ये बच्चा बड़े होकर बना मशहूर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। समय आगे बढ़ा और उस रईस के बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर एक बार पेनिसिलिन के कारण उस बच्चे की जान बच गई। और रईस का ये बच्चा और कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सर विल्स्टन चर्चिल थे। ये कहानी हमें प्रकृति का नियम याद दिलाती है कि विचारों की तरह हमारे कर्म भी हमारे पास लौट कर आते हैं। तो निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से सभी की मदद करें। जब आपको जरूरत होगी तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। ओम शांति।